नमस्कार दोस्तों, सैनिक वेलफेयर में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में उन रेलवे कर्मचारियों की चर्चा करेंगे जो छठे वेतन आयोग के दौरान अनुकंपा के आधार पर नौकरी में आए थे। दोस्तों, सहारा न्यूज ब्यूरो के अनुसार रेलवे में वर्षों पूर्व अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिली, लेकिन शर्त पूरी नहीं होने की दशा में नौकरी जाने का संकट पैदा हो गया है। शर्त थी कि 5 वर्ष में 10वीं कक्षा की परीक्षा पास करनी है। नौकरी पाने वाले कुछ कर्मचारियों ने 5 वर्ष की अवधि बीत जाने पर भी 10वीं कक्षा की परीक्षा पास नहीं की। अब जोनल रेलवे उनकी नौकरी को लेकर क्या निर्णय करे, उसने इसका समाधान रेलवे बोर्ड से मांगा है, जबकि रेलवे बोर्ड ने वित्त मंत्रालय और DOPT से समाधान मांगा है। इसके बाद ही ऐसे कर्मचारियों के भविष्य का फैसला होगा। दरअसल छठे वेतन आयोग की सिफारिशों में 1800 रुपए के ग्रेड पर लेवल 1S श्रेणी बनाई गई थी। इस श्रेणी में यह शर्त लगाई गई थी कि 8वीं पास व्यक्ति को नौकरी दी जाएगी, लेकिन नौकरी मिलने के बाद उस व्यक्ति को 5 वर्ष की अवधि में 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। इस नियम में यह जिक्र नहीं था कि यदि 5 वर्ष में भी उस व्यक्ति ने 10वीं परीक्षा पास नहीं की तो क्या होगा, नौकरी रहेगी या जाएगी। कुल मिलाकर इस श्रेणी में मृत कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी गई। 5 वर्ष की अवधि बीत जाने के बाद अब भी कुछ ऐसे कर्मचारी बच गए हैं जिन्होंने 10वीं की परीक्षा पास नहीं की है। इस बीच 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें आ गईं और 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों में 1S लेवल का जिक्र नहीं है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों में 1800 रुपए के ग्रेड पे पर लेवल 1 श्रेणी बनाई गई है और इसी के साथ यह तय किया गया है कि अब 8वीं कक्षा पास व्यक्ति को नौकरी नहीं दी जाएगी। किसी भी दशा में नौकरी पाने वाले व्यक्ति को कक्षा 10वीं पास होना अति आवश्यक है। दोस्तों, ये उन कर्मचारियों के संबंध में है जो मृत कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी गई थी। अब उनका भविष्य असमंजस की स्थिति में है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।